छात्रः नमो नमः। स्वागतम संस्कृत कक्षायां। बेटा हमारे फोर्थ लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और हम एक से फोर्थ लेसन की एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। आज हमारा लेसन है वो है फिफ्थ चैप्टर, श्लोक है समुच्चय है। समुच्चय का मतलब होता है बेटा समूह, श्लोकों का समूह। आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा संस्कृत साहित्य है वे श्लोकों पर ही निबिध है, क्योंकि हमारे संस्कृत साहित्य में श्लोक पाए जाते हैं, भी श्लोकों का ही सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। और श्लोकों का मतलब होता है जिसमें हमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है भी। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे संत महात्मा थे, उन्होंने हमें श्लोकों के माध्यम से हमारे जीवन की ऐसी ऐसी हमें बातें बताई गई है श्लोकों में, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में उनको उतार कर और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं भी। एक बार ध्यान से देखना भी इसमें कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर श्लोक है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। देखो, वाणी रस्वती यश्य यश्य सर्वती क्रिया लक्ष्मी दानवती यश्य सर्वमतश्य है जीवितम। वाणी रस्वती यश्य मतलब जिसकी वाणी में रस है, मतलब जिसकी मधुर वाणी है, और यश्य जिसके सर्व क्रिया जिसके कर्म करने में काम करने में मेहनत है, मतलब जो अपना काम मेहनत से संपूर्ण करता है, और लक्ष्मी दानवती यश्य और जिसने अपनी जो लक्ष्मी का दान किया है, मतलब जो अपने धन को दान में प्रयोग करता है, सफलम तस्य जीवितम उसका जीवन सफल है। ये जो बातें हमारे जीवन में उतारने वाली है भी, जिसे हम अपने जीवन में इनको उतार के सफल हो सकते हैं। इस श्लोक का मतलब समझ गया, क्योंकि हमारी वाणी में रस होना चाहिए और जो भी हम काम करें उसमें हमारे मेहनत से हमें अपने काम को संपूर्ण पूर्ण करना चाहिए, और जो हमारा धन है उसको हमें दान में लगाना चाहिए, इससे ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, शास्त्र शास्त्र उसका कुछ भी नहीं कर सकते। लोचना भ्रम जिस प्रकार लोचना भ्रम की नश्य आंखों के बिना दर्पण की वैसे ही दर्पण कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब शीशा भी कुछ नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसके पास अपना ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उसको कैसे भी नहीं समझा सकते, शास्त्रों का ज्ञान अच्छे से नहीं करा सकते। क्योंकि जिसके पास अगर आंखें ही नहीं होगी तो हम उसको दर्पण दिखाएंगे और बोलेंगे कि अपना चेहरा देखो तो नहीं देख सकता भाई, ठीक है। इसलिए हमारे अंदर ज्ञान बुद्धि और विवेक का होना बहुत जरूरी होता है भाई। फिर थर्ड है सैले सैले न माणिक्यम मौक्यम न गजे गजे साधु नहीं सर्वत्र चंदना न बने बने। सैले सैले न माणिक्य कहने का अभिप्राय है कि सैले सैले का मतलब होगा पर्वत पर अब अनमोल रत्न नहीं मिलते, मणि नहीं मिलते भाई, और मोती नहीं गजे गजे, और जो हाथी है हाथी के मस्तक में भी मोती नहीं मिलते, और साधु नहीं सर्वत्र, और जो साधु लोग होते हैं वो हर जगह नजर नहीं आते, और चंदन मन न बड़े मन और मन में चंदन नहीं मिलते। इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थात इसका मतलब ये है भाई कि जो विशिष्ट गुणों वाले लोग होते हैं वो विशिष्ट जगहों पर ही मिलते हैं भाई, हर जगह भी नहीं मिलते, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो अपने विशिष्ट जगहों पर मिलेंगे भाई, ऐसे ही दूसरे हुए नहीं मिलेंगे भी, क्योंकि अच्छे लोगों की पहचान अच्छी जगहों पर ही की जाती है भाई। ये तुम्हारे तीन श्लोक है, इनको अच्छे से अपने नोटबुक में उतारना है, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को अच्छे से समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हो बेटा। ओके थैंक्स।